उसके बाद मैंने एक बड़ा जंप मारा, मैंने बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ भी काम किया, दोस्त कास्ट, ट्रिगर्ड इंसान, उकरा इंसान। तो मेरे कोर्स से आपको कैसे हेल्प मिली, अगर कुछ बताना चाहो तो? कोर्स से ना आप काफी हेल्प तो ऐसा मिली कि स्क्रिप्टिंग सबसे बड़ी बात। तो जो आपका पहला इंटरनेशनल क्लाइंट था वो कैसे मिला? मुझे जो क्लाइंट मिला था वो मिला था कोल्ड ईमेल के, चैट के ऊपर ही करा, क्योंकि मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो डरते हैं इस चीज से, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो सोचते हैं कि फॉरेन क्लाइंट के साथ कैसे काम करें। पैकेज थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी टू गेटिंग रिच। इट्स लाइक मंथली आपका कितना रेवेन्यू चल रहा है? अगर इट्स लाइक 50 लाख रुपीज। सो लाइक तुम मेरे वन ऑफ द लाइक फेवरेट स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने पहली बार तुम्हारा मैसेज देखा था इंस्टाग्राम पे, तुमने बोला कि भाई आपके चेले ने आईफोन ले लिया आपकी वीडियो देख देख के। हाईएस्ट कितना गया था हाईएस्ट रेवेन्यू? मेरा गया था 1600 डॉलर समथिंग। अभी एज कितनी चल रही है आपकी? मेरी एज अभी 18 है। अभी मैं मंथली एवरेज रेवेन्यू कितना चल रहा है आपका? अगर डॉलर में बोला जाए तो हाल ही में इस महीने का ही लगभग 1000 डॉलर। तो इस वीडियो में अपने कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा कि उन्हें उनका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि वो अभी महीने कितने कमा रहे हैं, किन टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी उनका मंथली कितना रेवेन्यू चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं क्लाइंट लाने के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखना है, लेट्स गो। अभी लाइक मंथली एवरेज रेवेन्यू कितना चल रहा है आपका, अगर डॉलर्स में या फिर INR में बात करें तो? अगर डॉलर में बोला जाए तो हाल ही में इस महीने का ही लगभग 1000 डॉलर करीब, अगर इंडियन करेंसी में तो 80,000 डॉलर, कल 80,000 रुपीज। वाओ। और लाइक कितना काम, क्या काम? बस रील्स एडिट करता हूँ मैं, एक ही क्लाइंट है अभी मेरे पास वीडियो एडिटिंग का, मैं आगे और भी लाऊंगा तो उससे मेरे को 1000 डॉलर के करीब मिलते हैं, और 30 वीडियो में उसके एडिट करता हूँ, साथ में कुछ एडिशनल वर्क होता है तो मैं उसे एज अ बोनस के तौर पर दे देता हूँ। 30 रील्स एडिट करते हो फॉर 1000 डॉलर्स, 80,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो फिलहाल लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट की अगर हम बात करें तो लाइक बताना चाहो कि अभी लाइक फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला, और क्या मेरे कोर्स में से कुछ हेल्प मिली आपको क्लाइंट लाने के लिए? कोर्स में से तो मैं कोर्स को ही मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब से मैंने बहुत सीखा है, जितना मैंने कोर्स से सीखा है उससे डबल मैंने यहाँ पे यूट्यूब से ही सीखा है, क्योंकि आपने शुरू से ही बहुत ट्रांसपेरेंट थे कि कैसे कोल्ड आउटरीच करना है, कमेंट्स कैसे करना है, उनको फ्रेंड बना के उनको सेल्स कैसे पिच करनी है, वो सब आपने सिखाया था यूट्यूब पे। और फिर मैं वो कोर्स देखा, कोर्स में अच्छा लगा, लेकिन कभी इंस्टाग्राम आउटरीच किया जब जरूरत पड़ती तभी देखता था, ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम था तो फिर इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी चाहूँ देख सकता था। तो वैसे कोर्स ने भी हेल्प किया तो, और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट था, मैंने तो आपसे आपके साथ काम करते हुए मैं फाइवर पे भी था, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, लेकिन उनको हटा के जब मैं लोकल पे आ गया, मतलब ये सोशल मीडिया से, हाँ, तो उस पर मैंने एक क्लाइंट मिला था ट्विटर पे, स्मूफी करके था, उसको भी मैंने थंबनेल डिजाइन के सर्विसेज बेचे, वो मुझे $50 पर थंबनेल पे करता था, मतलब एबी टेस्टिंग होता है ना उसमें, मतलब मैं दो थंबनेल कॉन्सेप्ट्स देता था, फिर वो $50 पर थंबनेल पे करता था। अभी तो उसके साथ काम करना बंद था, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत काम किया, उसने मुझे बहुत पे किया, मतलब बहुत, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन 500+ पे किया। So, मैंने एक एडवाइस दी थी कि पैकेज बना के सेल करना थंबनेल सर्विस, वही तो है। अच्छा, वो कर पैकेज, पैकेज थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी टू गेटिंग रिच, क्योंकि हाँ, क्योंकि पर थंबनेल चार्ज करना, लाइक एक क्लाइंट आया, एक काम कराया, चला गया, पैकेज सेल कर दो तो एक ही बार में पैसा आ जाएगा और एक ही बार में काम हो जाएगा। उससे पहले तुम यही मिस्टेक कर रहे थे कि पर थंबनेल चार्ज कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले पहले मैं पर थंबनेल चार्ज करता था, लेकिन उसके बाद मैंने पैकेज बना दिया, कैसा पैकेज की थंबनेल में मैं क्या ही पैकेज बनाऊं, क्योंकि एक ही तो थंबनेल चाहिए होता है, लेकिन मैंने उसको भी पैकेज बनाने का ट्राई किया, तो फिर एक कंसेप्ट चलाया कि दो थंबनेल्स दो तो उसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं, और फिर उसके साथ अगर टाइटल भी दो दो तो फिर उसको टाइटल थंबनेल कॉम्बिनेशन एबी टेस्टिंग बोलते हैं, तो फिर ये टर्म आ गया मेरे माइंड में। तो फिर मैंने जितने भी क्लाइंट्स आते थे, जो प्रोस्पेक्ट्स आते थे, या फिर किसी भी बोल कोई भी बोलो, उनको मैंने सिर्फ थंबनेल नहीं बेचा, मैंने उनको वो आगे से बोला कि मैं तुम्हें दो थंबनेल्स दूंगा, अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा बिल्कुल काम करेगा, मैं दो टाइटल्स दूंगा, मैंने उसको उनको बोला।
तो फिर उन्होंने हाँ किया, तो फिर उसका थंबनेल रेट्स भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि कहा हमने उसके लिए फोन $50 पे करेगा, लेकिन अगर ए बी टेस्टिंग बोल के दे दो तो फिर $50 भी पे करना उनके लिए बड़ी बात है। बहुत सही आइडिया निकाला, बहुत अच्छा। सो अभी अभी ऑन एन एवरेज लाइक मंथली आपका कितना रेवेन्यू चल रहा है, अगर लाइक डॉलर्स में बात करें या फिर INR में बात करें? तो मैंने जैसे कहा था कि आपको पहले भी कि जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट्स है जो कि हम एक महीने में डिलीवर कर रहे हैं सभी सर्विस को मिला के, वो लाइक 50 प्रोजेक्ट्स एवरेज अगर आप पकड़ के चले, इट्स लाइक 50 लाख रुपीज, और मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 50 लाख रुपीस के अराउंड है, 50 लाख ना, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और सो लाइक आपको आपका पहला क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिला, कहाँ से मिला, और क्या मेरे कोर्स की उसने कोई हेल्प की, आपकी कुछ हेल्प की उससे, ऐसा कुछ? अगर सच बताऊं तो पहले मैंने इंस्टाग्राम का यूज करा क्लाइंट रीच आउट करने के लिए, तो मैंने बहुत सारे मेथड ट्राई करे, यानी जैसे कि मैंने आपके कंटेंट के थ्रू ही देखा था कि पहले क्लाइंट के साथ सीधा पिच मत करो, उसके साथ पहले कन्वर्सेशन बिल्ड करो। तो ये जो क्लाइंट था, ये जो मेरे को मिला है, इसके साथ भी मैंने लगभग कन्वर्सेशन स्टार्ट करी है, मतलब मैंने सीधा पिच नहीं करा, मैंने इसकी कंटेंट की तारीफ करी, इसके बारे में बात करी कि आखिर क्या करता है ये, धीरे धीरे जब आया मैंने इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैंने इसे पूछ लिया कि तुम अपनी वीडियो खुद एडिट करते हो या किसी से करवाते हो, तो उसने कहा कि मैं करवाता हूँ किसी से, यानी उसके पास एडिटर भी था, लेकिन उसने बोला कि मैं ओपन हूँ फीडबैक के लिए। तो फिर उसने क्या करा कि मेरी एडिटिंग जैसी देखी तो उसे मेरी एडिटिंग बहुत पसंद आई, कुछ बोला कि अभी तो नहीं कर सकते लेकिन एक महीने बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बस दूसरे एडिटर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी वजह से। और बाकी बात करूँ आपके कोर्स की, तो आपके जो कोर्स की जो मेरे को वैल्यू मिली है, वो मेरे को मिली है उसके बाद, क्योंकि मैंने उसके बाद खरीदा था उससे। तो जैसे मैंने आपके कोर्स को लिया, उसमें मेरे को बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने के लिए मिली, जैसे कि उसमें आउटरीच मेथड जो जो आपने बताए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो गया, चाहे फेसबुक का हो गया, चाहे ट्विटर का हो गया, मैं फेसबुक का यूज़ तो करता नहीं, लेकिन जो इंस्टाग्राम का जो आपको आउटरीच मेथड बताया और ट्विटर का जो बताया और लिंक्डइन का जो बताया, वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि वो चीज़ें ना अगर मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता तो वो चीज़ें सीखने में मुझे 6 महीने लग जाते, ये 7 महीने लग जाते, वो क्या पता उसके बाद भी रिजल्ट ना, और उसके बाद मैं डीमोटिवेट भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि खुद एक्सपेरिमेंट करने पे बहुत सारी चीज़ें फेलियर का फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से जो आपने वो टेक्निक बताई, उससे क्या होगा, मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा जो आपने बताया, थोड़ा बहुत ऐड ऑन करूँगा जो क्लाइंट के हिसाब से ठीक होगा, और उसके बाद मेरे को रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा उस वजह से। तो मुझे ये सबसे बेस्ट बेनिफिट जो लगा आपके कोर्स का, ये लगा कि उसमें आपका एक्सपीरियंस मिल चुका है मुझे आउटरीच मेथड का। तो सबसे पहले सबको बताओ कि आप कौन हो और आप क्या करते हो। मेरा नाम रविंद्र है और मैं 18 साल का हूँ, और सोशल मीडिया पे मैं फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देता हूँ क्रिएटर्स को, US बेस्ड क्लाइंट को, और क्या कहते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, यूट्यूब मैनेजमेंट हो गया, बाकी ये चीजें मैं देता हूँ क्रिएटर्स को। अच्छा, अभी क्या है कि मंथली एवरेज क्या चल रहा है आपका, अभी मंथली कितना कमा रहे हो ऑन एन एवरेज? लाइक मंथली 40-50 के चला जाता है अभी, 40-50 पीक मंथ भी आया था जब 60 के गया था, बट अभी तो 40-50 के हो गया। और मैंने सुना कि लाइक तुम पहले खुद से करते थे, अब तुमने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, सो इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हाँ, जैसे मैं पहले खुद से करता था, मैं फोन से ही मैंने किया है, मैं 2013 से फोटो एडिटिंग कर रहा था, अभी से नहीं, मैं कर तो मैं बहुत पहले से करता, बट मैं 2013 से करता था फोटो एडिटिंग करता था। उस टाइम CV एडिटिंग बहुत चलते थे कि बैकग्राउंड चेंज कर दिया, अपने पास में लड़कियां लगा दी, या वो चलता था ना डायलॉग ए पगली वगैरह कुछ फेसबुक पे। तो मैं अपने शहर में, मतलब मैं फुल रुतबा था मेरा कि भाई इससे बैकग्राउंड बदलना आता है, ये लड़की लगा देता है जब मंच में, तो ये करता था मैं, बाइक वगैरह लगा देनी या बिल्डिंग लगा देनी, तो ये मैं करता था। फिर मैं उस टाइम में 6th क्लास में था, मैंने पूरी साल ले लिया, मैंने 500 रुपये कमाए थे उस टाइम पूरे साल में, 10-10 रुपये में कर देता था मैं, कोई मेरा रिचार्ज कर देता था कि भाई एक 1 GB वाला रिचार्ज कर दो मेरा, तो ऐसे करवा लेता था मैं। फिर मैं 6th क्लास में फेल हो गया, फिर मैंने सब बंद कर दिया फोटो एडिटिंग के साथ। बीच में मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, तो मैं रोस्टिंग वगैरह में, मतलब थोड़ा मैं क्या कहते हैं थोड़ा कॉमेडी वगैरह कर लेता था, तो मैंने कहा कुछ करते हैं, लॉकडाउन लग गया था तो मैं स्क्रिप्ट भी लिख लेता था अच्छा, तो मैंने वीडियो एडिटिंग फिर काइंड मास्टर वगैरह से सीखा, फिर वो भी मैंने ज्यादा किया नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अभी ये कहते हैं इसी साल अप्रैल में मैंने सोचा कि फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब पर कि क्या ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो बहुत एक महीने से देख ही रहा था कि क्या नए नए लोग बताए जा रहे थे,
फिर मुझे पता लगा फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, मतलब अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विस दे सकते हो, तो मैं उसके बारे में देखने लगा। बट कोई बेसिक नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज ही दे रहे थे लोग, ऊपर ऊपर से बता रहे थे कि क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो, कि अपना पोर्टफोलियो बना लो, यहाँ जाओ वहां जाओ, अपने जो कनेक्शन होते हैं आसपास के उनसे बात करो, या फ्री में किसी के लिए काम करो, कनेक्शन बनाओ, या सोशल मीडिया पे जो जिसे जरूरत है उसको, बट कोई अच्छे से नहीं बता रहा था। फिर मुझे आपकी वीडियो मिली थी वो ईमेल वाली कि क्या वैसे, तो मैंने वहां से ईमेल ली थी, बाकी तो मेरे काम का था नहीं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था कि प्रोस्पेक्टिंग वगैरह के लिए, बट ईमेल मेरे लिए बहुत काम आई वो। सो अभी लाइक अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो या इंडियन क्लाइंट्स के लिए? इंटरनेशनल के लिए कर रहा हूँ, बाकी एक इंडियन क्लाइंट है, अभी आज की मीटिंग मेरी हुई है थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ से आने से पहले यहाँ से, वो भी मेरे बरेली की है पास की, इसलिए मैंने सोचा कि कनेक्शन बनाना भी जरूरी होता है, तो मैंने कहा प्रॉब्लम ना। ओह, मेरे पास भी है, बरेली के एक डॉक्टर है, तो मे बी उनका लीड मैं आपको शेयर कर दूँ, तो कर लेना बात, क्लोज कर लेना। तो अभी क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट से आप लाइक कितना चार्ज कर रहे हो फिलहाल और क्या क्या? इंटरनेशनल क्लाइंट से मैं $25 करता हूँ पर रील के, अलग अलग मेरे पास दो क्लाइंट है अभी फिलहाल, वैसे अभी 4 क्लाइंट थे, अभी 2 रह गए हैं, फ्रीलांसिंग में चलता रहता है। तो अभी अलेक्स और मुझे स्केल का मैं करता हूँ उनके लिए, कैप्शंस हो गए और वी रोल वगैरह वो होता है ना, उन पर अलेक्स और मुझे टाइप वो मैं करता हूँ, $25 देते हैं वो मुझे पर रील के। सो लाइक फिर बल्क में काम देते हैं या पर रील वाइज पैसे देते हैं? हाँ बल्क में देते हैं, 25 रील तो दे देते हैं मंथली, $25 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कितने कितने, फिर कुछ बता, इतनी मैथ खराब है क्या? 20 से 25, हाँ मैथ बहुत खराब है मेरी, मैं मतलब आज तक मैथ में पास नहीं हुआ भाई सब चीज़। लाइक ऑन एवरेज लाइक $1,000-1,500 ऐसे कुछ, 800-900 कितना? नहीं $500 बन जाता है उनके, बाकी मेरे पास अभी एक क्लाइंट है जो डॉक्यूमेंट्री में करता हूँ, लाइक मैरिन मीडिया टाइप, तो उनके लिए $250 में चार्ज करता हूँ, उनका 2 वीडियो होते हैं मंथली के, 5-5 मिनट के होते हैं। $250 पर वीडियो या दोनों वीडियो? दो वीडियो के। अच्छा, दो वीडियो के। फेसलेस चैनल। हाँ मतलब इतना काम नहीं है, मैग्नम मीडिया का तो बहुत होता है उनका। अभी एवरेज मंथली कितना आपकी इनकम चल रही है अभी फिलहाल में, रेवेन्यू मतलब मंथली एवरेज जो भी आपका चलता है बेस्ट मंथ? अभी 1K प्लस बोल सकते हैं इन डॉलर, 1K प्लस बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ एग्जैक्ट फिगर ना ही बताए तो बेहतर रहे। अच्छा क्यों इसमें ऐसा ऐसा क्या है, मतलब छुपाने वाला क्या है? अरे ये अनफिक्स्ड रहता है ना कि कभी किस्मत क्या हो गया, कभी किस्मत क्या हो गया, तो इसलिए 1K प्लस बोल देंगे तो फिर लपेट के आ जाएगा। ठीक है, $1,000 आपका लाइक अर्निंग चल रही, रेवेन्यू चल रहा है, हाईएस्ट कितना गया फिर भी? हाईएस्ट रेवेन्यू मेरा गया था $1,600 समथिंग गया था। एंड लाइक नेपाल में कैसे कैसा लगता है, मतलब इतना पैसा कमाना? भाई मेरे दोस्त आपके चैनल को बहुत सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो देंगे तो वो मेरे को पार्टी मांगेंगे, लेकिन नेपाल में ऐसा लगता है कि मेरे इस ग्रुप में ना मुझे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी से भी डरता नहीं, कि किसी को भी देखता हूँ कोई स्वैग मार रहा है तो मैं मन मन में सोच रहा हूँ ये क्या कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस आ गया मतलब। यस, बैंक में पैसा हो तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। अरे यार जब डॉलर्स में हो तो फिर अलग बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग चीज है। तो अभी एज कितनी चल रही है आपकी? मेरी एज अभी 18 है, अभी मैं दिसंबर में 19 हो जाऊंगी। और ये डिजाइनिंग वगैरह फोटोशॉप वगैरह थंबनेल कब से शुरू कर दिया था सीखना? ये मैंने जब मैं 10th में था तब मैंने पिक्सआर्ट वगैरह से मैंने करता था मोबाइल से, तो फिर मैं 11th पे आ गया तो फिर मम्मी से बोल के लोन वगैरह लेके एक पीसी बिल्ड कर लिया, और फिर उसका लोन भी मैंने पे किया करीब 2-3 महीने पहले, क्योंकि तब से मेरी और वो इनकम स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने लोन भी पे किया, फिर बहुत खुशी हुई उस वो वक्त तो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पैसों पे खड़ा होना, अपने हाथ पैरों पे खड़ा होना तो अलग ही बात होती है। तो अभी जो आपको पहला क्लाइंट मिला इंटरनेशनल क्लाइंट की मैं बात करूंगा, तो वो क्या बोलते हैं कहाँ से मिला और कैसे मिला? मैं क्या कहते हैं, जब कोल्ड ईमेल मैंने आपकी ली थी
वहां से मैंने लिख ली थी, उस टाइम तो मेरे पास एक ही फोन था, अभी तो ये अभी लिया है फोन, तो उसके बाद क्लाइंट वगैरह के बाद, तो क्या कहते हैं एक फोन था, तो मैंने फोन पे लिखता रहा, एक मैं वीडियो भी देखता रहा, लिखता रहा लिखता रहा, तो मैं ऐसे ही चला जाता था इंस्टाग्राम पे, जैसे एलेक्स हरमोजी हो गए, बड़े बड़े अकाउंट हो गए, ग्रेट एलेक्स हरमोजी ले लेते हैं टैग, तो उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कंटेंट भी बनाते बाहर के लोग, तो उनको ढूंढो, उनके एड पे जाता था, लगता था कि हाँ भाई ये कंटेंट बना रहा है, तो सबके कमेंट सेक्शन में कर जाता था कि भाई मेरा डीएम वगैरह देखो, मैं मैसेज डाल देता था सबके पे डेली बेसिस पे, तो ऐसे एक क्लाइंट मिल गया था उन्हें पसंद आ गया। अच्छा, ते मेरे कोर्स से सीख के या ऑलरेडी लाइक कहीं और से तुमने सीखा? नहीं, मैंने आपके कोर्स से सीखा था, ईमेल वर्क्स क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के। जो आपका पहला इंटरनेशनल क्लाइंट था वो कैसे मिला, और क्या उसमें मेरी वीडियोस का कोई पार्ट था, या लाइक कैसे आपको फर्स्ट क्लाइंट मिला? तो एक्चुअली हाँ, तो ये जो फ्रीलांस इंटरनेशनल क्लाइंट है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुझे जो क्लाइंट मिला था वो मिला था कोल्ड ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला था कि फाइवर को छोड़ के वी कैन डू कोल्ड ईमेल टू फाइंड क्लाइंट, ठीक है। तो मैं कोल्ड ईमेल करने की कोशिश कर रहा था, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के चलते उसमें काफी सारी गलतियां थी, जिसकी वजह से जो रिप्लाई जो रिस्पॉन्स था वो बाय रिस्पॉन्स आई मीनिंग कि आई एम नॉट इंटरेस्ट भी एक रिस्पॉन्स, आई एम इंटरेस्टेड भी एक रिस्पॉन्स है, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड भी एक रिस्पॉन्स है, तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तो मैं डिमोटिवेट हो रहा था कि यार ऐसे नहीं चलेगा, मुझे फाइवर पे ही स्विच करना पड़ेगा फिर से। तो मैंने तुम्हारी कोल्ड ईमेल की सीरीज भी देखी, जैसे क्लाइंट हंटिंग से कैसे अप्रोच करते हैं, ईमेल पे क्या लिखते हैं, सब कुछ मैंने वहां से देखा, एंड उसके बाद उन सब टिप्स को फॉलो करके फिर ईमेल पे थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करना, ये सब धीरे धीरे ईमेल को अपनी बहुत अच्छे लेवल पे ले गया। एंड फिर तो एक बात है कंसिस्टेंसी, रोज मैं एक नंबर ऑफ ईमेल सेंड करता ही करता हूँ, आज भी करता हूँ, ये मेरा गोल है कि करना ही करना। तो ऐसे मैंने कोड ईमेल करके जो है फर्स्ट मेरा रिस्पॉन्स आया था कि ठीक है, जो मेरा पहला क्लाइंट था उसने मुझे बोला था, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट था, वो भी एक यूट्यूबर है, ठीक है। तो वो वेबसाइट अपनी ब्लॉग सेटअप करना चाहते थे, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो ये कुछ इस तरीके का था कि जैसे आपने एक बार आपके एक वीडियो में कहा था कि कब कैसे क्लाइंट मिल जाता है किसी को नहीं पता, तो काम करते रहना चाहिए, तो वैसे ही सेम केस में उनका एक कोर्स हुआ करता था, ठीक है। तो वो जो कोर्स है, कोर्स के लैंडिंग पेज बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट अप्रोच हिम, तो मैंने उनको उस चीज के लिए अप्रोच किया, और उन्होंने कहा सॉरी लेकिन मैंने तो ये चीज किसी और को आउटसोर्स कर दी है, मगर मेरे हाथ में एक ब्लॉग प्रोजेक्ट है, अगर आप करना चाहो तो हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट जब मीटिंग शेड्यूल हो गई थी तब भी बहुत मैं नर्वस टाइप हो गया था, देखो फाइवर पे मीटिंग अलग है डिस्कस करके, फिर एकदम डायरेक्ट मैं क्लाइंट हंट कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, प्राइस क्या ऑफर करनी है, उनसे क्या क्वेश्चन पूछना है। तो उस हिसाब से भी आपका जो वीडियो है कि कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कि जूम पे किसी क्लाइंट को कैसे क्लोज करते हैं, और ऐसे आपने लाइव मीटिंग्स भी दिखाई हैं, तो उनको देख के मुझे बहुत हेल्प हुई, और मैंने सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे, जिससे आखिरी में वो क्लाइंट जाके कन्वर्ट हुआ, एंड उस क्लाइंट ने मुझे जो वेबसाइट का पेमेंट था दैट वॉज लाइक $1,800 प्लस $300 फॉर वेबसाइट मेंटेनेंस। तो ये जो $2,100 फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी वो मेरे टोटल फाइवर इनकम से भी ज्यादा थी। ओह ऑसम, राइट। सो दैट्स हाउ इट गोस। तभी तुमने बोला कि मेरे पास कोर्स खरीदने का टाइम नहीं मिला। मैंने जब आपसे पूछा कि आपने मेरा कोर्स लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि इस वाली वीडियो सीरीज में मैं यही सबसे पूछ रहा हूँ कि कोर्स वाले मेंबर हैं या नहीं है, जो भी अच्छा लगता है। तो सच बताओ तो मैं कोर्स वाला मेंबर नहीं हूँ, बट आई एम डैम श्योर कि कोर्स में बहुत अच्छे टिप्स होंगी, बिकॉज आपने फ्री वाले में जो वैल्यू प्रोवाइड करी है, आई एम श्योर कि जो पेड कोर्सेस होंगी वो बहुत हेल्पफुल होंगी बिगिनर्स के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी बिगिनर स्टेज में जब मैं बिगिनर फ्रीलांसर था तभी मेरी ये जो चीज है वर्कआउट हो गई थी, इसलिए मैं बाद में कोर्स नहीं कर रहा। एंड लेटर ऑन क्या होता है ना कि देखो आप भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, एंड एज ए बिगिनर
अगर आपको किसी एक्सपर्ट से एक्सपीरियंस मिल जाता है वो दैट इज मोर देन अ ट्रेजर राइट. वही मैं बोलूंगा कि क्योंकि बिगिनर स्टेज में मुझे प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी आ रहे थे क्लाइंट हंटिंग के, इसीलिए मैंने कोर्स नहीं खरीदा. बट अगर कोई इंसान है जो नया बिगिनर देख रहा है, मैंने कोर्स नहीं खरीदा है फिर भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दैट कोर्स विल बी अमेजिंग. बाकी लाइक तुमसे बात करके ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी 17 ईयर ओल्ड से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे लाइक कोई बहुत ही नॉलेजेबल बंदा आपका सामने. नाइस फॉर दैट. सबसे पहले आप लाइक बताओ हु आर यू एंड लाइक व्हाट यू डू अपने बारे में कुछ. अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मेरा नाम गौरव है और मैं उत्तराखंड में रहता हूं. तो मैं एक वीडियो एडिटर हूं. तो मुझे फ्रीलांसिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करे हुए लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं. और पहले मैं इंडियन क्लाइंट के लिए काम ही करता था और उससे लगभग मेरे को 10-15 हज़ार रुपये महीने के मैं कमा लेता था. लेकिन जैसे ही मैंने मतलब वीडियो एडिटिंग से मैं बोर हो गया था इसी वजह से, क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा था और इंडियन क्लाइंट के साथ खासकर काम कर रहा था. तो फिर जैसे मैंने आपको वो चैलेंज वाली वीडियो देखी थी तो उसके अंदर मुझे पता चला कि नई वीडियो एडिटिंग के थ्रू भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं. फिर क्या था कि मैंने कहीं पर एजेंसी के थ्रू भी काम करा, कहीं पे बहुत सारे इंडियन क्लाइंट के साथ भी काम करा. फिर आपके थ्रू मुझे नॉलेज मिली कि आखिर फॉरेन क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हैं. फिर मैंने उस चीज़ के बारे में जानना स्टार्ट करा आपके कॉन्टेंट के थ्रू ही. तो उसके थ्रू जब मैंने जानना स्टार्ट करा तो धीरे धीरे करके मुझे बिलीव होता गया उस चीज़ के ऊपर ना कि ऐसा हो भी सकता है. तो उसके बाद जब मैंने ट्राई करना स्टार्ट करा, मैंने इंस्टाग्राम का यूज़ करा. तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे को क्लाइंट मिला था अपना. तो ये था कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी यहाँ से इंडियन क्लाइंट से फॉरेन क्लाइंट में शिफ्ट हुई थी. अच्छा, बाकी कोर्स आपने कितना देख लिया? कोर्स मेरा लगभग वाला कंप्लीट हो चुका है. मैं ट्विटर वाले उस पे हूँ जिसमें आप ट्विटर का आउटरीच मेथड बता रहे हैं तो उस पे. अच्छा, बढ़िया. और लाइक कोर्स में कुछ ऐसा यूनिक सीखने को मिला जो आपके अब काम आए? मे बी यूनिक तो अभी तक मुझे उससे थोड़ा क्लैरिटी मिली है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, यानी फोकस जो आपने बताया पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटरीच एक जब तक काम कर रहे हो तब तक काम आ रहा है, उसके बाद नहीं आएगा. तो मेरा मेन फोकस अब पर्सनल ब्रांडिंग ही है. मेन अब मेरा यही है कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उसमें ज़्यादा समय लगता है लेकिन मेरे हिसाब से मज़ा भी आता है उस चीज़ में. जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है कि पर्सनल ब्रांड वाला कॉन्टेंट बनाने में मज़ा आता है और आगे का जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो भी वही है. जैसे आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेरी भी लगभग कैटेगरी बिल्कुल सेम है लेकिन अब मेरा टारगेट वही है कि मैं पर्सनल ब्रांड खुद भी सीख जाऊंगा और साथ ही में जब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम क्लाइंट को भी सर्विस देने भेजेंगे. या जब क्लाइंट को अगर हम मेथड तो यही है कि क्लाइंट को अगर हम पर्सनल ब्रांड की सर्विस दे रहे हैं तो अभी कभी पर्सनल ब्रांड एक तरीके से मतलब ज्यादा सही लगता है बताने में. चलो भाई बहुत अच्छा लगा मिलके और बात करके और ऐसी तरक्की करते रहना आगे आना बाकी बने रहना और बाकी सब कुछ हमारा कॉन्टेक्ट और देहरादून आता हूँ मिलता हूँ बहुत जल्द. पहला क्वेश्चन कि अपने बारे में बताओ कि आप क्या हो क्या करते हो. हेलो मैं निश्चल हूँ, मैं नेपाल से हूँ. मैं एक थंबनेल डिजाइनर के टाइटल से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग में. मैं थंबनेल डिजाइनर था सबसे पहले. उस वक्त मैंने नेपाल के सारे क्रिएटर्स के साथ जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे सारे क्रिएटर्स के साथ मैंने काम कर लिया था. उसके बाद फिर मैं हिम सिंह भाई को रीच आउट किया और फिर उनके साथ भी थोड़ा सा थंबनेल किया. उसके बाद मैंने हिम भाई के साथ काम करना बंद किया. उसके बाद मैंने एक बड़ा जंप मारा, मैंने बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ भी काम किया, दोस्त कास्ट, ट्रिगर्ड इंसान, उकरा इंसान एंड और भी बहुत सारे क्रिएटर के साथ मैंने थंबनेल पे काम किया और फिर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बना. उसके बाद मैं ट्विटर वगैरह पे आ गया. फिर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी मैंने बहुत काम किया एंड अभी मैं मेरा दोस्त वीडियो एडिटर है तो फिर मैं उसका स्किल को लेवरेज करके एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट ला के मैं उसको दे के मैं उसमें उसमें से भी बीच में से कमीशन रख के अच्छा खासा बना रहा हूँ. ओके. और लाइक आई थिंक जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो तुम शायद स्कूल में थे उस टाइम पे, स्कूल वगैरह में. तो अभी भी स्कूल में? हाँ तब मैं 12th में था. अच्छा, अभी स्कूल खत्म हो चुका है? स्कूल खत्म हो चुका है. फिर मैंने स्कूल खत्म करने के बाद एक बार मैं कोर्चेंग चला गया वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग और फिर उधर मैं घूमा रहा दो महीने समथिंग में रहा उधर और फिर मैं अभी नेपाल आ गया. बट स्टिल अगर लाइक कुछ कहना चाहो कि लाइक कोर्स के अंदर ऐसा कुछ जो आपको बिल्कुल नया लगा हो या फिर आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे देखना चाहिए, वो ऐसा कुछ कोर्स से कुछ हेल्प वगैरह जो आपको मिली है ये सब?
शेयर करना चाहोगे? कोर्स से भाई बहुत हेल्प मिल सकती है, अगर आप स्पेशली आप बिगिनर से थोड़े से ऊपर और इंटरमीडिएट और एडवांस पे नहीं हो, तो फिर इस कोर्स में क्या मिल सकता है कि आपको एक आउटरीच क्या है वो पता चल जाएगा, आउटरीच कैसे करना है फॉरेन क्लाइंट्स को, कैसे दोस्त बना के उनको बेचना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर कोर्स ऐसे बना हुआ कि कोई आपसे बात कर रहा है ऐसे बना हुआ है, ना कि ऐसे बिल्कुल एक फ्लो में बात नहीं कर रहा है, वो आपको प्रॉब्लम्स बता रहा है। अगर कुछ डीएम में अगर वो कुछ ट्रिक बता रहा है, मतलब हिम सिंह भाई जो डीएम में कुछ बता रहे हैं, तो फिर उसमें कौन से प्रॉब्लम आएंगे वो भी वो सोच के वो प्रॉब्लम भी बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि अगर लिमिट लग गया तो फिर ऐसा करना है, मतलब कितने टाइम के बाद करना है, वो सब चीजें तो बहुत अच्छे से वहाँ पे रखी हुई है। वहाँ पे इंस्टाग्राम आउटरीच, लिंक्डइन आउटरीच, ट्विटर आउटरीच, फेसबुक कमेंट्स आउटरीच, सारी चीजें आप देख लेना अपने हिसाब से कि कैसे वाले आउटरीच आपको करने हैं आपके नीड एज पर योर नीड। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो फिर आपके लिए अलग आउटरीच काम करे, वीडियो एडिटिंग करते हो तो अलग आउटरीच काम करे, लेकिन आपका सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स वर्ड्स के लिए। सो लाइक तुम मेरे वन ऑफ द लाइक फेवरेट स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने पहली बार तुम्हारा मैसेज देखा था इंस्टाग्राम पे, तुमने बोला कि भाई आपके चेले ने आईफोन ले लिया आपकी वीडियो देख देख के, तो लाइक वो हमेशा याद रहा, लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो। मैंने ऐसा था, क्या कहते हैं, मुझे मेरा फोन ये दूसरा वाला डेड हो गया था, कर नहीं पा रहा था वीडियो एडिटिंग, तो पहले मैंने अपने क्लाइंट से मांग कर देखा पैसे, मैंने कहा भाई मुझे उधार रुपए दो, मैं आपकी वीडियो एडिटिंग करता रहूंगा, चुकाता रहूंगा लोन भाई। पर उसे वो समझ नहीं आया, वो फॉरन का था, मैं पहला क्लाइंट था, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, वो समझ नहीं आया, वो मुझे समझा कि मैं स्कैमर हूँ। मैं बोला भाई तुम्हारे तो $400 हुए, तुम $1,000 पे कैसे आ गए? मैंने कहा पर मुझे चाहिए, मुझे तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं समझने लगा दोस्त है यार, क्यों नहीं देगा भाई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब कह रहा है कि यार तुम तो $400 दे दिए, पर उसने $400 दे दिए। वो बहुत अच्छा क्लाइंट था, मैंने उसके लिए वो क्या कहते हैं पैसों के मामले में सोचता नहीं था, मैंने उसके लिए 10 वीडियो दी, 10 वीडियो कुछ होती थी $100 की, बट मैंने उसके क्या कहते हैं मैं बट क्या कहते हैं मैं कुछ ना कुछ उसे बनाकर देता रहता था कि भाई आज ब्राउजर डाल दो, ये डाल दो, कैनवा से उठाकर कुछ नहीं करता था, मैंने पूरे दिन कैनवा पे गया, चैट जीपीटी पे गया, डाला कुछ ना कुछ देता रहता था कि ये डाल दो, वो डालता रहता था। तो मैं $400 बनाकर फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और उससे उधार मांग लेता हूँ, बट वो हो नहीं पाया। फिर एक और क्लाइंट मिला तो आईफोन लेके आया, मैंने कहा काम कर लिया। हाँ तो एक सबक सीख लिया है जी। सबसे बड़ी बात तो जैसे कि अपने मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा है 20-25 के वीडियो भैया, वो सभी को है ना उनके, और आपसे भी बात हुई तो आपने कहा था कि यूट्यूब मैनेजमेंट करो, उसमें ज्यादा पैसा है, ये वीडियो एडिटिंग में वो पैसे देना नहीं चाहते। जैसे कि अब मैं अब यूट्यूब मैनेजमेंट ही करता हूँ, तो मैंने आपका कोर्स लिया कि यूट्यूब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के साथ साथ। तो अभी तो मेरे पास काफी बंदे हैं कि SEO वगैरह है, मार्केटिंग है, मतलब जो करते हैं, तो मैं जैसे कि अभी एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही है, $800 की है बात हो गई है, बट वो अगले वीक से वीडियो देना चालू करेंगे, बट मैं अभी उस क्लाइंट को मानता नहीं हूँ क्योंकि अभी वीडियो आना चालू नहीं हुआ, उसने हाँ तो कर दिया है सब $800 में, 15 वीडियो है उनका स्क्रिप्ट से लेके इंस्टाग्राम पे रील होंगी, 15 वीडियो है, बाकी क्या कहते हैं हाँ स्क्रिप्ट से लेके मार्केटिंग कैसे उनके क्या कहते हैं अकाउंट को मार्केटिंग कर सकते हैं कि कैसे ज्यादा लोगों में पहुंचा सकते हैं, फिटनेस यूट्यूबर है वो, हाँ तो उनके लिए अभी बातचीत चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी स्कूल में हो या लाइक स्कूल पास आउट कर लिया? मैं अभी 11th क्लास में हूं कॉमर्स से। अच्छा, जाता नहीं हूं। ओपन से ड्रॉप कर लिया है 11th में? नहीं ड्रॉप नहीं किया, मतलब क्या कहते हैं 11th है तो 11th में तो पास कर ही देंगे स्कूल वाले। चलो बढ़िया भाई, अभी से कमाना शुरू कर दिया, बड़ी बात है। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन है, हु आर यू एंड व्हाट यू डू, अपने बारे में बताओ और आप क्या करते हो, जैसे कि आपने पहले बताया था, थोड़ा सा और सिंपल तरीके से इजी लाइक एक पिच टाइप की जो। तो मैं बेसिकली एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, अपने आप में मैं एक डेवलपर हूँ, एंड मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो भी एज ए फुल स्टैक डेवलपर फ्रीलांसर ही करी थी। मैं बस वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग की ही सर्विसेज ऑफर किया करता था। नेक्स्ट मैंने जब तुम्हारी वीडियोस देखी, जैसे कि 10-day चैलेंज और 45-day चैलेंज,
जिसमें तुम एक वेबसाइट डिजाइनर होके वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स ला रहे थे, तो उसने उस चीज ने मुझे ही बहुत मोटिवेट करी कि यार मैं क्यों बस वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में स्टक हो गया हूँ, why I'm not you know changing my services or adding more services in the bucket. So इसीलिए मैंने एक टीम को पूरा कंप्लीट करने का सोचा. इसलिए मैंने स्टार्टिंग फेज में मैंने मेरे ही कुछ कनेक्शंस थे जो कि यू नो वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ आपका ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कुछ SEO करते हैं, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ कनेक्शन बना के इनिशियली मैंने एक टीम सेटअप करी ताकि क्लाइंट का अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट आए हम उसको इजीली जो है फुलफिल कर पाए, क्लाइंट के जो जरूरी चीजें हैं या फिर रिक्वायरमेंट है. तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर लेटर ऑन वी फेल्ट कि हमारा जो टीम है उसका बहुत यू नो वर्क काफी ज्यादा हो गया है, अभी हमें और मेंबर हायर करने की जरूरत है. तो लेटर ऑन वी हायर्ड न्यू पीपल. तो अभी हमारी हर एक अलग अलग टीम है हर सर्विस के लिए, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अलग टीम है और वीडियो एडिटिंग के लिए अलग है, जो भी सर्विसेज मैंने कही उनके लिए अलग अलग है. और मैं पर्सनली कहूँ तो अभी मैं टुवर्ड्स मार्केटिंग या फिर क्लाइंट हंटिंग में बहुत ज्यादा आ गया हूँ इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हो पाता, अभी क्लाइंट हंटिंग ही अपनी जो है प्राइमरी जॉब है. बेसिकली जब एजेंसी बिल्ड कर लेते हैं तो मेन काम फाउंडर का यही है कि वो लीड्स लेके आए, मार्केटिंग करे और सेल्स कॉल ले. सो अभी अभी कौन सा आउटरीच के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया चैनल यूज कर रहे हो और लाइक कौन कौन से कर रहे हो और बेस्ट कौन सा लगता है? अभी तो मैं इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, बट मैं ट्विटर का सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे ना रिक्वेस्ट में चला जाता है, पर ट्विटर पे आप करते हो ना तो रिक्वेस्ट में नहीं जाता, हमको दिखता है कि एक मैसेज आया, तो वो सही रहता है. बट अभी थोड़ा ट्विटर ब्लू लेने में प्रॉब्लम आ रही है बाकी तो. बाकी इंस्टाग्राम पे अभी मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स कम हो गया है, जैसे पहले आ जाता था 10 करता था तो मेरा कन्वर्जन रेट अच्छा था कि 2-3 आ जाते थे, लक कहो कुछ भी कहो, बट अभी तो ठंडा पड़ गया. अभी 20 करो तो एक आ जाता है मुश्किल से, बट उनके पास कोई बजट नहीं होता. मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा अमीर लोग नहीं है, उस टाइप के लोग हैं कि भाई एक ही अर्निंग करना चाहते हैं वो इसके माध्यम से, क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, बाकी कुछ नहीं कर रहे बिजनेस वगैरह, ऐसे लोग मिलते हैं मुझे ज्यादातर, तो मैंने बंद कर दिया है इंस्टाग्राम पे. तो अभी कौन से लाइक प्लेटफॉर्म से अभी आउटरीच वगैरह कर रहे हो, किससे क्लाइंट आ रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट लगता है काम करने के लिए? मैं जो प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा हूँ मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा हूँ. तो मैं कोल्ड ईमेल तो करता ही हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी मैं यूज करता हूँ एंड ट्विटर भी मैं यूज करता हूँ क्लाइंट फाइंड करने के लिए, और यूट्यूब भी आप कह सकते हो कुछ हद तक मैं यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स लाने के लिए. तो उसमें से मैं अगर कहूँ तो मेरा इंस्टाग्राम एंड कोल्ड ईमेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड ट्विटर भी काफी हद तक मुझे बहुत हेल्प कर रहा है क्लाइंट लाने में और काफी अच्छा परफॉर्म वो भी कर रहा है. लेकिन ट्विटर का एक इशू अभी आ गया है कि उसमें आपको वेरीफाई होना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आराम से कर रहा हूँ वो, मगर जो बिगिनर है उसके लिए प्रॉब्लम है. लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इंस्टाग्राम और जो ईमेल्स है कोल्ड ईमेल है वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है मेरे लिए भी, एंड आई एम श्योर कि सबके लिए अच्छा काम करेगा. अभी आप स्कूल में ही होंगे तो अभी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कंटिन्यू कर रखा है या क्या चल रहा है स्कूल का? तो स्कूल तो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी स्कूल जाने का प्लान भी है. तो एक बात है कि मेरी ड्रीम है एक जो कि गेट इनटू आईआईटीज, तो आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता उसका क्या होने वाला है. बट आईआईटी से जा आई थिंक आईआईटीएम से ज्यादा आप कमालोगे अगर इतने साल आपने इसी में मेहनत करी तो. In the end, मैंने भी देखा आईआईटीएम्स को आईआईएम करके आईआईटी करके एजेंसी ही चला रहे हैं वो भी. तो मैं लाइक पर्सनली देखता हूँ लिंक्डइन पे है एक बंदा आईआईटीएम है और पिछले 5 साल से एजेंसी चला रहा है. आई थिंक हमें ब्लू स्टीप इंडिया करके एजेंसी केरला का है बंदा. तो इन द एंड तो सब वही करते हैं, तो ठीक है तुम बैक टाइम ट्रेवल करो, आईआईटी छोड़ो और सीधा सीधा एजेंसी बिल्ड करो, और एजेंसी ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो उसमें बात, बस स्केल करना होता. हाँ वो तो सही बात कह रहे. तो थैंक यू भाई आने के लिए, अपीयर होने के लिए और अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए, और बाकी
कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछने कुछ भी हो फील फ्री टू मैसेज मी इंस्टाग्राम पे। तो अभी क्या है कि आउटरीच के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो और कौन सा आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है? आउटरीच के लिए तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम डीएम भी यूज किया हूँ, ट्विटर पे भी मैंने आउटरीच किया है, ठीक है। और फिर मैंने सबसे लेकिन इफेक्टिव मेरे लिए रहा यूट्यूब कमेंट। मैंने यूट्यूब कमेंट से पॉइंट्स निकाले, कैसे कि आपका मैंने वो एक देखा था वीडियो समथिंग कुछ देखा था एक वीडियो जिसपे आपने लिखा था कि पोटेंशियल कोलैब फॉर थंबनेल्स लिखा था, ठीक है, पोटेंशियल कोलैब फॉर वीडियो एडिटिंग। तो फिर मैंने उसको एक ट्रिगर हो गया कि अगर मैं उनको आई कैन हेल्प यू टू डिजाइन थंबनेल्स, हेल्प यू टू एडिट वीडियोस, अगर वो बोलूंगा तो थोड़ा सा डिस्परेट वाइब आएगा उनको। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पोटेंशियल कोलैब बोलूंगा तो फिर ये मेरे साथ काम करना चाह रहा है एज अ पार्टनर वो सोचेंगे लोग। तो फिर मैंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया जिनके भी मैं वीडियोस देखता था मैंने, लेकिन 50,000 से ऊपर लोगों को टारगेट नहीं किया मतलब सब्सक्राइबर के। मैं तो फिर मैं जिनके भी वीडियोस देखता था उनके कमेंट पे जाता था और फिर ऑसम उनका नाम, और फिर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फ्रॉम पास्ट टू वीक्स एंड दिस विच आईडी अनी, और उसके बाद एनी बाय एनी चांस वी कैन कोलैब फॉर वीडियो एडिटिंग और थंबनेल्स, ऐसे करके इन्हीं को रिफ्रेश करके मैंने बहुत सारे कमेंट्स स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे क्लाइंट मिलने लग गए, दो तीन क्लाइंट मुझे उसी तरीके से मिले। ये स्मार्ट था कि तुम क्या है कि क्लाइंट की नीड के हिसाब से रिफ्रेश कर रहे हो। बहुत से हैं वो क्या करते हैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा है। सो ध्यान में रखना होता है कि वो जो चीज मेरे लिए काम कर रही है मे बी तुम्हारे लिए ना काम करे, क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट डिफरेंट है तो उसको चेंज करना पड़ता है, हर क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे चेंज करना पड़ता है। सो ये बहुत स्मार्ट मूव था। तो अब लास्टली लाइक आपने ऐसे वैसे तो बता दिया कि कोर्स से ज्यादा यूट्यूब वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो अभी जो है आप कौन कौन से लाइक आउटरीच प्लेटफॉर्म्स या यूज कर रहे हो सोशल मीडिया का उसके लिए क्लाइंट लाने के लिए, और कौन सा आपको बेस्ट लगता है? तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम ट्राई किए आउटरीच के लिए, क्योंकि अभी तक मैं जब इंडियन क्लाइंट के साथ काम करता था तो क्या होता था कि मैं उनके साथ काम करता था तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाता था मेरा काम, क्योंकि उनको मेरा काम पसंद होता था। तो क्या होता था मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता था, उनके साथ चार और बंदे होते थे जो कॉन्टेंट क्रिएटर होते थे, फिर कभी मुझे सच बताऊं तो मुझे कभी मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आसपास से ही काम आना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जब मैं फॉरेन क्लाइंट के साथ अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ, मुझे अभी एक महीने ही हुआ है, तो मैंने उस समय यूज़ करा इंस्टाग्राम का पहली बार मैं लोगों को डायरेक्ट मैसेज करने में। तो अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे ही फोकस रखा है और इंस्टाग्राम से ही क्लाइंट लेके आया हूँ, बाकी आगे देखूंगा कि किस चीज़ पे शिफ्ट होते हैं क्योंकि अभी मैंने और चीज़ें एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करी है। ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, जो जो सही लगता है या जो प्लेटफॉर्म बेस्ट सूटेड है वही उसी को यूज करो और स्केल करो, बस थोड़ा स्केल पे काम करो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो एक और सजेशन दूंगा, इंस्टाग्राम ब्लू ले लो, उससे क्या होगा जब तुम कभी किसी को मैसेज करोगे तो वो अगर इवन मैसेज रिक्वेस्ट में भी होगा तो तुम्हारा मैसेज वहां पे पॉप करेगा कि ये बंदा कौन है, ब्लू टिक वाला बंदा किसी का मैसेज आ रहा है। सो इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज वगैरह करके वहां पे अपने शॉर्ट फॉर्म के एग्जांपल्स डाल के और बायो में कॉल टू एक्शन लिख के कि इफ यू वांट सम दिस काइंड ऑफ एडिट यू कैन डीएम मी, ये सब करके एंड इंस्टाग्राम ब्लू लेके फिर आउटरीच करोगे तो ज्यादा जल्दी लोग ट्रस्ट करेंगे, जल्दी ओपन करेंगे मैसेज और ज्यादा फायदा होगा। And I think 600-700 रुपए मंथली है उसका फीस बस, बाकी उसके अलावा लाइक अभी कॉल पे क्लाइंट को कन्वर्ट करते हो या चैट के ऊपर ही? ऐसा चैट के ऊपर ही करा, क्योंकि मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो डरते हैं इस चीज से क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो सोचते हैं कि फॉरेन क्लाइंट के साथ कैसे काम करें। लेकिन मैंने सोचा ट्राई मार के देख लेते हैं, मुझे भी पहले इस चीज का डर था कि कैसे मैं कॉल पे, अगर बोल देगा तो मैं कॉल पे कैसे कर पाऊंगा क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसे मैं सीखना चाह रहा हूं और सीख भी रहा हूं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसे आपको 6 महीने लगेंगे सीखने में लेकिन आपकी इनकम को 5x कर देगी, तो इम्पोर्टेंट भी है इंग्लिश, तो मैं उसे सीख भी रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने सोचा कि मैं फॉरेन क्लाइंट के साथ कैसे करके काम करूँ। तो क्या हुआ कि वो मेरा लक मानिए, मैंने उसके साथ काम करा, उसको मेरा काम पसंद आया, तो उसने कॉल पर बोला भी था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन थोड़ा रूडली मना नहीं करा, नॉर्मली मना करा कि मैं अभी कॉल पर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन वो तैयार था। मतलब फॉरेन क्लाइंट के साथ शायद से ये होता है कि वो मान जाते हैं हमारी बात, तो हाँ। मैंने उसे चैट पे ही कन्वर्ट करा और चैट पे ही वो खुश हो गया था। मेन चीज ये कि तुमने उसको अपना काम करके दिखाया ना, तो तुमने उससे वीडियोस एडिट करके दी तो वो ऑलरेडी जानता है कि बंदा प्रोफेशनल काम करता है। सो लाइक बहुत से केसेस में होता है कि लाइक अगर कोई वेब डिजाइनर है तो पहले से वेबसाइट नहीं बना के दे सकता उसको, है ना। सो वहां पे कॉल पे आना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लाइंट भी देखना चाहता सामने वाला बंदा कैसा है,
प्रोफेशनल है या नहीं है, बात कैसे करता है, तो वो चीज क्लियर हो जाती है। इंटरनेट पे स्कैम बहुत चलते हैं, सो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कॉल पे आने से। तो यार डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप अपना काम शो कर रहे हो, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, तो चैट पे क्लोज करना कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं दिखाने को, तो हमने फिर कॉल तो लेनी पड़ती है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट हाँ डेफिनेटली इंग्लिश सीखो। और हाँ मैं एक और चीज बोलूंगा कि अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे करके क्लाइंट के साथ बात करूँ, तो मैं ऐसी चीज बता सकता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने कुछ चीज दे दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उससे काम लेने से पहले मैंने उसको बोला कि आपकी जो बायो है वो पूरी तरीके से बेकार है। मैंने उसे प्रॉब्लम बताई, आपने ये गलती कर रखी, और उसने बोला कि वो समझ गया था कि मैं सर्विस पिच कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि हाँ मैं करा लूंगा, उसको लगा कि मैं चार्ज करूंगा इस चीज़ के। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैं आपकी हेल्प कर दूंगा एज अ फ्रेंड के तौर पर। तो मैंने उसकी बायो सेटअप करी लगभग 7 दिन के अंदर, वो उसे भेजा, उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर उसके बाद मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो उसके बाद उसे ये भी फील नहीं हुआ कि ये स्कैम करेगा। तो ये मैं बोलूंगा कि अगर आप दे सकते हैं पहली बार कोई भी ऐसी चीज फ्री में, तो ट्रस्ट उससे भी बिल्ड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट आपको ये वाली वीडियो चेकआउट करनी चाहिए, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ माय वन ऑन वन पेड कंसल्टेशन कॉल्स को आपके लिए लाइव यूट्यूब के ऊपर डाला है। तो चेकआउट दिस।